हाय गाइस, वेलकम बैक आर्मी किचन किंग। आर्मी किचन किंग आज लेके आए हैं दही भल्ला। आप देख सकते हैं हमने दो धुली उड़द डाले, हमने इसको 3 घंटा भिगा के रखा था इसको दही भल्ला बनाने के लिए। अभी इसको अभी हम फूल चुका है, सॉक कर चुका है, तो इसको हम ग्राइंड करेंगे। इसको हम मिक्सी के अंदर डाल दिया जो भिगा हुआ उड़द दाल को, फिर अभी इसको ग्राइंड करेंगे अच्छी तरह से। ग्राइंड होने के बाद देख सकता है इसी तरह से ग्राइंड करना है, ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, इसी स्टाइल में पीसना है, ग्राइंड करना है। सॉल्ट टू टेस्ट, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे अपने हाथों से, अच्छी तरह से फेंटना है, जितना झाग आ सके उतना झाग निकालना है, मतलब फोम बनना चाहिए फेंट फेंट के, जितना फोम बनेगा उतना फूलेगा। तो हमने गैस ऑन होने के बाद अभी पैन के अंदर हम अभी डालेंगे रिफाइंड ऑयल, मतलब कुकिंग ऑयल। अभी कुकिंग ऑयल डाल लिया हमने, अभी इसके अंदर हम डालेंगे छोटा छोटा दही भल्ला बना के डालेंगे पकौड़ा स्टाइल में, जैसे पकौड़ा बनता है उसी तरह हम डालेंगे बीच में थोड़ा तो सेद करके। अभी बड़ा पक गया, अभी तेल के अंदर से बड़ा को निकाल के ठंडा पानी के अंदर डालेंगे। फिर उसी तरह हम दोनों अपने हाथों के बीच में रख के बड़ा को रख के इसका पानी को निचोड़ के एक बाउल में निकालेंगे। ठीक है, हमने दोनों हाथों के बीच में रखे पानी को निचोड़ दिया, जो दही बड़ा छानने के बाद जो पानी में डाल के रखा है वो अच्छी तरह से पानी चूस लिया, सॉफ्ट हो गया, तो हम उसी पानी को हम निकाल रहे हैं दोनों हाथों के बीच में रख के। तो फिर हम इसको फिर आगे देखते हैं फिर कैसे बनता है।
ये है फ्रेश दही। जो फ्रेश दही को हमने इसको अच्छी तरह से बीटर की मदद से उसको अच्छी तरह से फैट फैट के अच्छी तरह से एकदम क्रीमी की तरह बना दिया इसको। फिर इसमें हम डालेंगे नमक टू टेस्ट, शुगर, ज़्यादा मीठा नहीं करना है, हल्का सा मिठास करना है। जो शुगर जो है ज़्यादा नहीं डालना है, हल्का सा दही के अंदर हल्का सा मिठास लाना है। और भुना हुआ जीरा पाउडर, जो हमने जो दही बनाया था हमने इसके अंदर डाल रहे, भल्ले के अंदर डाल रहे हैं। सारे भल्ले के अंदर हमने डाल दिया दही, फिर दूसरा प्लेट हम इसके अंदर फिर डालेंगे दही, जो हमने जो बनाया था क्रीम की जैसा बनाया दही, दही भल्ला के लिए, दही भल्ला के लिए दही। अभी इसके अंदर भी हमने डाल दिया, अब फिर अभी दूसरा स्टेप डाल करेंगे, अभी दूसरा बाउल में फिर डालेंगे दही। अभी इसमें हम डालेंगे इमली और खजूर का चटनी, खट्टा मीठा। अभी दही भले के ऊपर ये सजा के डालेंगे, और जरूरत पड़ेगा तो साथ में और लेके भी खा सकता है ये मीठी खट्टा मीठा चटनी। इसको बोलते खजूर और इमली का चटनी, खट्टी मीठी। तो हमने एक बॉल के ऊपर दही के दही डाला, दही के ऊपर फिर हमने सजा दिया, दही भले के ऊपर सजा दिया। फिर दूसरा प्लेट लेके आया है हम सजाने के लिए, हमने सजा दिया फिर इमली का और खजूर का चटनी, मीठी चटनी से डाल के एकदम जो सफ़ेद सफ़ेद कोड़ा कोड़ा सा चेहरा था हमने उसको एकदम लाल कर दिया एकदम। ये भी कोड़ा है, इसको भी हम लाल करेंगे, इसको भी हम कलर कर देंगे अभी। ये लो, अब इसको भी ऊपर हमने डाल दी इमली का चटनी, जैसे कि लिपस्टिक लगाते हो, जैसे और लेडीज लोग लिपस्टिक लगाते हैं, इसी तरह हमने दही बड़ा को लिपस्टिक लगा दी इमली की चटनी से। वाह, इसका क्या लाजवाब है, इसका जो स्वाद जो है ना एकदम सॉफ्ट मीठा खट्टा मीठा एकदम ऐसा बनता है ना, आप ज़रूर ट्राई कीजिए आपके घर में, आप किचन में ज़रूर ट्राई कीजिए। फिर बाद में नहीं बोलना आर्मी किचन की ने नहीं बताया। ये देखो इसके ऊपर हमने सजा दिया टपक 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 के। माइंड ब्लोइंग, इतना टेस्टी है, सुपर। मेरा रेसिपी अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।